इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कि किस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ही हीटेड नहीं बल्कि बहुत ही कोट अनकोट, मुझे कहने दीजिए, वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कान खोल के सुन लो, तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो और पाकिस्तान पर जो तोहमतें लगा रहे हो, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ये ज़बान दराज़ी बंद रखी तो कोई पाकिस्तान बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। और तुम पाकिस्तान को कहते हो, पाकिस्तान को एक ब्रथर्ड हाउस से तशबीह देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। इन बात पर तुम्हें नदामत होनी चाहिए। और अगर कोई बोले ना बोले, मेरा खून खौल रहा है। जबकि अमेरिकन्स कह रहे हैं पाकिस्तान से कि हमारी हेल्प कीजिए, हम विड्रॉ कर रहे हैं अफगानिस्तान से, मगर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट के टॉप लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करना चाहते। इस पे बातचीत होगी और इसके साथ साथ बातचीत होगी। यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक बार फिर कहा है कि हमारे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, इंटेलिजेंस सब के साथ बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हो रही हैं। वो तफसीलात नहीं देते और ऑफ कोर्स इसके क्या मानी है। United States like to have a drone base in Pakistan. So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. अब इसके साथ साथ इस बात को हम नहीं भूल सकते कि बलूचिस्तान के जो साथी हैं वो भी शदीद दबाव में रहते हैं, उनके साथ जो जुल्म होता है। अभी डॉक्टर तारा चंद, जो बलूचिस्तान की सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आजकल वो एग्जाइल में अमेरिका में कुछ सालों से रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे बलोच अमेरिकन कांग्रेस बनाया हुआ है और वहाँ से उन्होंने ग्लोबल कैंपेन टू एंड एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस इन बलूचिस्तान शुरू किया। इन सब पे बातचीत होगी आपके बहुत ही चाहे जाने वाले कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या जी के साथ। एक बार फिर याद दिलाता हूँ, चंखिया फोरम की वेबसाइट पर ज़रूर जाइए और आप देखिए कितने डीप एनालिसिस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वेलकम मेजर गौरव आर्या भाई, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। मैंने थोड़ा पीछे लंबा बांधा चुके, आज का हमारा एजेंडा काफ़ी लोडेड है। बातचीत शुरू करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हीटेड डिस्कशन है। मुझे याद है पिछले शो में आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान के ये जो पीर फॉरेन मिनिस्टर हैं, पीर साहब, ये बोलना कम कर दें तो बड़े पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएं। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा जी कि आपने तो एक कोट अनकोट आपने तो ब्राथल खोला हुआ है। और उस पर फिर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गर्जे, उन्होंने कहा मेरा खून गरमा रहा है। कैसे देखते हैं इस हीटेड डायलॉग को आप? देखिए साहब, शाह महमूद कुरैशी का खून उबले ना उबले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो उन्होंने बोला था ना, अफगानों ने वर्ड उन्होंने यूज करा था हीरा मंडी, विच इज लाहौर में जो है। जी जी तो सर ऐसा था कि उन्होंने जो यूज करा है वो बड़ा सोच समझ के यूज करा है। और इसलिए यूज करा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी कुछ पैसे देता है ये मान लेते हैं। ये कोई भी इनका कोई, जिसको कहते हैं ना कि एक समाज की, एक कौम की, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अब पाकिस्तान जब बना था बिना रीढ़ की हड्डी के बना था सर, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड विदाउट अ स्पाइन। अब हुआ ये कि इनके बीच में जो अभी जो तनातनी चल रही है बहुत ज्यादा, ये अक्सर एक आप देख लो, ये बहुत पुराना है, अफगान्स ब्लेम पाकिस्तान की जो हुआ। यहां पे रशियंस तो आए,
ठीक है, चलिए रशियंस आए। पाकिस्तानियों का भी किरदार बहुत खराब रहा है, दे गिव बर्थ टू द तालिबान, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स अभी भी पाकिस्तान बहुत कंट्रोल करता है। हकानी नेटवर्क की बात करें, क्वेटा शूरा की बात करें, थोड़ी पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें ताहिर साहब इसको यहाँ पे बोलना जरूरी है। और इन लोगों ने अफगानिस्तान के मस्जिदों में, मदरसों में, मार्केट्स में सुसाइड अटैक्स करवाए हैं, ये सच बात है। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से अफगानों को अभी भी जो पश्तून हैं जिनको ह्यूमिलेट करा जाता है पाकिस्तान में, कराची में या कहीं और जहां पे अपने फ्रूट का धंधा करते हैं या फिर अपने सब्जियों का बिजनेस करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, वहां पे शनाख्ती कार्ड के लिए उनको बड़ा ह्यूमिलेट करा जाता है, उनको पैसे ले जाते हैं, हर समय क्रिमिनल या चोर की नजर से देखा जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक दो लोगों ने कुछ गलत काम कराया, पूरी कौम को फिर बोल रहे हैं कि ये सारे पश्तून एक जैसे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पाकिस्तान समझ नहीं रहा कि ये जो मंजूर पश्तीन का पूरा किस्सा चल रहा है सर, अभी पूरा मंजूर पश्तीन का किस्सा, इसको रोक दिया, फिर शिरकत करने से वो एक प्रोटेस्ट साइट पे जा रहा था उसको रोक दिया। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके ताने बाने अफगानों के साथ बंधे हुए हैं, पश्तून दे सेम, ये किसी की शादी वहां पे सर, किसी का फूफा वहां पे, किसी की मासी यहाँ पे, ये सब इनका पठानों का ऐसे ही है सर। और ये ट्राइब्स भी ऐसी हैं, अफरीदी यहाँ पे भी हैं, अचकजाई, यूसुफजाई, सब पूरे मिले जुले हैं सर ये सारे के सारे। तो अब क्या है कि ये चीजें जो हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो अफगान जो गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान को ब्लेम करती है फॉर वेरी गुड एंड वैलिड रीजन सर, गलत रीजन नहीं है उनका, फॉर वेरी वैलिड रीजन। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में अफ़गानिस्तान को लेकर एक खासा मतलब दिलचस्पी ली जाती है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो अभी के रिश्ते हैं, मैं अफ़गानिस्तान तालिबान की बात नहीं कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान तालिबान को लेकर तो पाकिस्तान ऐसे बिहेव करता है जैसे अफ़गानिस्तान तालिबान पाकिस्तान के बैक में बिल्कुल बैठा हुआ है, और जो कुछ पाकिस्तान कहेगा वही वो मानेगा, इस तरीके की बातें होती हैं वहाँ पर। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो करंट गवर्नमेंट है उसके लोगों ने तो ऐसा रिएक्शन दिया है कि मतलब आप समझ जाए कि फील कर सकते हो आप, इतने मतलब लो लैंग्वेज के शब्द यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर, हीरा मंडी और ये और वो, पाकिस्तान को हीरा मंडी से कंपेयर किया गया, और बहुत मतलब थर्ड लेवल की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। और इसका मतलब थर्ड लेवल का लैंग्वेज यूज़ होने का मतलब ये भी है कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली अफ़गानिस्तान ने ये बोला है कि ये पैसे के लिए किसी के साथ भी हो सकते हैं, उस नज़रिए से अफ़गानिस्तान ने ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो मतलब आप समझ रहे हो, एक साइड से तो चलो एक आदमी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन ये उससे भी बड़े बेवकूफ़ निकले, ये उसी को उसी की जवाब भाषा में जवाब दे रहे हैं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो, तो आप समझ सकते हो दोस्तों दोनों लेवल में लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। अगर एक कोई दूसरा देश ऐसा जवाब देता है तो आपके जो मतलब विदेश मंत्री हैं वो भी इस तरीके की लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेजर गौरव आर्या का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मतलब उन्होंने ये बताया है कि जो पाकिस्तान है वो इसी तरीके की हरकत करता है, इसलिए उसे हीरा मंडी से उसकी तुलना की गई है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में जैसे ही अमेरिका निकलेगा वहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है ये नहीं रहेगी ज़्यादा दिन तक, वहाँ पर डेफिनेटली अफ़गान तालिबान आ जाएगा। और अफ़गान तालिबान से वैसे भी भारत ने पहले से ही अब प्रयास चालू कर दिए हैं, उनसे रिश्ते बनाने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमें भी वहाँ पर रहना है अफ़गानिस्तान में, अगर हमें वहाँ पर रहना है तो अफ़गान तालिबान से संबंध बनाने पड़ेंगे, भले वो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं होगी ये भी पता है आपको, और वहाँ पर इन फ्यूचर इलेक्शन भी नहीं होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।